यूपी के शाहजहांपुर में सोने के सिक्के खरीद फरोख्त के नाम पर एक व्यक्ति 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी का शिकार हुआ। आरोपी दो कार से सिक्के बेचने के लिए तय स्थान पर आए थे। सिक्के दिखाने से पहले आरोपियों ने पीड़ित से 30 लाख रुपए से भरा बैग ले लिया और रुकने के लिए कहा। उसके बाद आरोपी मौका देखकर फरार हो गए। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 आरोपी लखीमपुर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 लाख रुपए की नकदी और 50 नकली पीली धातु से के सिक्के बरामद किए हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया है। पीलीभीत जिले के थाना बिसलपुर क्षेत्र के मोहल्ला दुबे कस्बा निवासी विवेक अग्रवाल इनका शिकार हुए। विगत दिनों थाना पुआया में सोने के सिक्के खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इसके 3 सदस्यों मोहसिन पुत्र बशीर, आजम तथा मोहसिन पुत्र दलबीर को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 6 लाख रुपए नकद, 50 अदद आर्टिफिशियल पीली धातु के सिक्के, 1 अदद फर्जी रूप से तैयार की गई गाड़ी की आरसी व 1-2 अदद गाड़ी की फर्जी तैयार की गई नंबर प्लेट और 1 अदद मोबाइल वीवो कंपनी का बरामद किया गया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।